मोदी जी से मैं अपील करता हूँ, योगी जी को यहाँ भेज दो हमारे राजस्थान में, और क्या चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री इस राजस्थान में होना चाहिए। योगी सरकार होती तुरंत एनकाउंटर होता, इतनी देर खेल खत्म हो चुका। या फांसी की सजा होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ पे अगर योगी जी जैसा राज होता तो रातों रात खत्म हो गया होता, और हमको ये जुलूस लेके घूमने की जरूरत नहीं। एक हमारे हिंदू के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी। और ये जिस तरह ये तालिबानी सोच रख रहे हैं उदयपुर में, वो हम नहीं चलने देंगे। हम मेवाड़वासी पहले भी यहाँ पे मुगलों को नहीं टिकने दिया और इस बार भी नहीं टिकने देंगे। हत्या करने वालों को फांसी मिलनी चाहिए। जो अपने देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं ये खंजर तुम्हारे तक गले तक पहुंचेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय राजस्थान के उदयपुर में खबर इंडिया की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भले ही पूरे प्रदेश में इंटरनेट को बंद कर दिया गया हो, लेकिन वहीं पर 7 थानों की बात करें तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का आक्रोश देखिए कि यह हाईवे है जो कि मुंबई तक जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं, जो कल की घटना से कन्हैयालाल की हत्या से नाराज होकर के सैकड़ों युवा यहां पर आए हैं। बीच रोड पर आगजनी की गई है, बीच रोड पर आगजनी की गई है। हमारे भाई को मार डाला, उसको हमारे हिंदू भाई को नाराजगी है। कहा जिस प्रकार से जिसका कन्हैयालाल की मर्डर हुआ वो एक गैर जिम्मेदारान मर्डर हुआ, और इसलिए नाराजगी हमारी कि हिंदुओं पर जाति हुई है। और ये राजस्थान सरकार तुष्टिकोण कर रही है, करौली में अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ अयुब, और इसलिए हमारा विरोध है कि सब शांति से रहे, भाईचारा से रहे। ऐसी जघन्य हत्या जो हुई है उसका हमारा विरोध है। लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करके भगा दिया है विरोध करने वालों का। नहीं, विरोध करने वाले कुछ चले गए, हम तो भागे ही नहीं है, हम तो खड़े हैं, हम तो भागने ही चाह रहे हैं। लेकिन एक बयान पर इस हिंसा पर उतारू हो जाना और गला काट देना ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ये इसकी हम गौर निंदा करते हैं। ये राजस्थान पुलिस जो कि अभी हाल ही में आई, इन्होंने प्रदर्शनकारियों को यहाँ से लाठी चार्ज करने के बाद में यहाँ से रोड से हटा दिया है। अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, भले ही यहाँ के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया हो, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो और इंटरनेट की सुविधा यानी कि इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया हो, उसके बावजूद यहाँ लोगों का गुस्सा रोड पर है, साथ में आसमान पर है। हत्या करने के बाद में वीडियो जारी किया गया, ये बहुत घोर निंदनीय है। सरकार से हमारी मांग है, भारत सरकार से भी और राजस्थान सरकार से, ऐसे लोग कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बोला है, तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए हमारा विरोध है। लेकिन सीएम गहलोत पीएम मोदी से शांति की अपील कर रहे हैं। सीएम गहलोत बिल्कुल निंदनीय कर रहे हैं, उसकी भी हम निंदा करते हैं। सर, एक हमारे हिंदू के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी। और ये हम ऐसे कर्फ्यू और ऐसे धरना देते रहेंगे हम। अशोक गहलोत कह रहे हैं, पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप शांति की अपील करिए। अशोक गहलोत उसकी विचारधारा मुस्लिम विचारधारा है, आज मैं बोल रहा हूँ, अशोक गहलोत की विचारधारा मुस्लिम धारा है। आज हर हिंदू के मन में एक वो मुस्लिम एक उसे डर पैदा किया, उसने एक वीडियो बना के हर हिंदू के मन में एक डर पैदा करना चाहते हैं। वो उन्होंने मैसेज क्या दिया है, क्योंकि वीडियो जारी किया है हत्या करने के बाद में उन्होंने एक मतलब जो अपने हत्यारे जो थे उन्होंने एक तालिबानी वाले संदेश में उन्होंने बोला है कि हर हिंदू को एक डरना चाहिए। जिस तरह ये तालिबानी सोच रख रहे हैं उदयपुर में, वो हम नहीं चलने देंगे। हम मेवाड़वासी पहले भी यहाँ पे मुगलों को नहीं टिकने दिया और इस बार भी नहीं टिकने देंगे। आप भी नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते हैं? हम हर समर्थन हर उस विचारधारा के साथ है जो हमारे समाज के साथ है, और हम तालिबानियों का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो तालिबानी विचारधारा रखते हैं उनका इस उदयपुर में कोई जगह नहीं है। अपने को तो जस्टिस फॉर कन्हैयालाल धरना देना पड़े, कुछ भी देना पड़े, पर जस्टिस फॉर कन्हैयालाल, बस इतना कहूंगा, जस्टिस फॉर कन्हैयालाल। प्रशासन जो भी भगा रहा है वो सरकार आने वाले साल में वो खुद आगे आगे भागेगी। अगर हिंदुओं का समर्थन नहीं करती है और ऐसी विचारधारा का सपोर्ट करती है तो उस सरकार को हम भगाएंगे सब मिल के। देखिए मैं आपको दिखा दूं पीछे कि यहाँ पर राजस्थान पुलिस, देखिए राजस्थान पुलिस एक एक करके यहाँ से इन प्रदर्शनकारियों को अलग अलग कर रही है, खदेड़ने का काम कर रही है। हत्या करने वालों को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए उनको। लेकिन गहलोत जो अशोक गहलोत हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अपील करनी चाहिए। मोदी क्या अपील करे, उनको राजस्थान में सरकार तो उनकी है ना। लेकिन हत्यारे जो हैं उन्होंने 10 दिन पहले वीडियो जारी करके धमकी दी, उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस पूरे दबाव में काम कर रही है, इन हथियारों को खुलेआम फांसी होनी चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय सियाराम, जय सियाराम। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा।
अब आज न्यूज़पेपर में आज सुबह आ चुका है कि वो आईएसआई संगठन से जुड़े हुए हैं, जो जब ये उदयपुर वाले खांजीपीर वाला जो हत्यारा है वो आईएएस संगठन के आदमी से मिल चुका है, मिलके आ चुका है, कितनी बार मुलाकात हो चुकी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया सामने वालों को, तो इसको गोली क्यों नहीं मारी गई, फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है, जब ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसके लिंक निकल रहे आतंकवादी संगठन से, तो इसको क्यों जोड़ा है, जो प्रधानमंत्री जो अपने देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं ये खंजर तुम्हारे तक गले तक पहुंचेगा, आपको लगता है कि यहाँ पर योगी सरकार होती हालात ऐसे नहीं होते? वो तो जो भी है किसी जगह आज पुलिस प्रशासन में पुलिस प्रशासन योगी के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आज योगी सरकार राजस्थान में होती तो शायद हालात ऐसे नहीं होते, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। भारत माता की बंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको लगता है कि अगर योगी सरकार राजस्थान में होती तो आज हालात ऐसे नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। आज जय श्री राम। गुजरात में देख लो, गुजरात में कभी दंगा हुआ है? वो लास्ट दंगा हुआ था, बस उसके बाद कोई दंगा नहीं है गुजरात में, जब तक मोदी बैठा है तब तक। मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी जी से मैं अपील करता हूँ, योगी जी को यहाँ भेज दो हमारे राजस्थान में, और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, योगी जैसा मुख्यमंत्री इस राजस्थान में होना चाहिए, और राजस्थान में इन जितने भी ये गद्दार है इनको बाहर होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से कल हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है वही पे एनकाउंटर हो जाता है अगर योगी होता? योगी सरकार होती तुरंत एनकाउंटर होता, इतनी देर खेल खत्म हो चुका। या फांसी की सजा होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए? तो क्या करेगा यहाँ का जो नाराज हिंदू है, वो क्या करेगा सरकार के खिलाफ? तब तक हिंदू चुप नहीं बैठेगा, तब तक हिंदू चुप नहीं बैठेगा, जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे ही नारे लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस पूरे दबाव में काम कर रही है, पूरी पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो शांति की अपील कर रहे हैं। इस समय शांत कैसे रह सकती है जनता, जो सरिया के समान आतंकवादी वीडियो बनाकर वायरल करके उस आदमी को मारा है? गहलोत का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है हमारा, और मोदी नहीं चाहिए, योगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी 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 योगी। एक नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कन्हैया लाल को इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, और कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने गर्दन काटी, सर धड़ से अलग किया और कहा कि तन से जुदा और एक ही सजा, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है, ऐसा उन आरोपियों ने वीडियो जारी करके कहा। मैसेज क्या देना चाहते हैं आरोपी? वीडियो जारी किया गया था उनको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए सेतक सर्कल पे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने गिरफ्तार करके रख लिया है। यहाँ पे अगर योगी जी जैसा राज होता तो रातों रात खत्म हो गया होता, और हमको ये जुलूस लेके घूमने की जरूरत दे होना चाहिए उनसे, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरह एनकाउंटर होता है उसी तरह इन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। ये पुलिस पूरी गहलोत सरकार के दबाव में काम कर रही है, और योगी सरकार जैसा शासक चाहिए हमें। बुलडोजर की जरूरत है क्या? जी अभी तक वो यहाँ होते, योगी जी होते तो ना कोर्ट होती ना कार्रवाई, सब ऑन द स्पॉट होता, सीधा इनकाउंटर। मैं ये चाहता हूँ खुला आम फांसी की सजा दो। गहलोत मुर्दाबाद।